हाथरस जिले के सिकंदरा राव में प्रदेश सरकार द्वारा जहां टेस्ट स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए पानी की भांति बहाए जा रहे हैं, वहीं कस्बा के एटा रोड पर स्थित मुक्ति धाम जो लोगों को मुक्ति प्रदान करता है, वह आज अपनी बदहाली की मुक्ति की राह बांट रहा है। वर्षों से इस मुक्ति धाम का किसी संस्था, जनप्रतिनिधियों एवं पालिका प्रशासन व ग्राम पंचायत द्वारा सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया है, जिसके चलते मुक्ति धाम में पर्याप्त गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिससे लोगों को शवों का अंतिम संस्कार करने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुक्ति धाम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। बता दें कि वैसे तो सरकार मुक्ति धामों एवं कब्रिस्तानों के सौंदर्यीकरण को पुरजोर लगा रही है, वहीं अपने विकास को लेकर एटा रोड स्थित मुक्ति धाम राह बोर्डता हुआ नजर आ रहा है। इस मुक्ति धाम का निर्माण बिरला देवी शारदा ने सन 1959 में कराया था। जब से अब तक इस मुक्ति धाम का किसी भी जनप्रतिनिधि, संस्था, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायत द्वारा कोई सौंदर्यीकरण नहीं कराया गया, जिसके चलते मुक्ति धाम जर्जर हो चुका है। यहां शवों का अंतिम संस्कार करने में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुक्ति धाम में लगा टीन शेड जर्जर हो चुका है। टीन शेड जर्जर होने के चलते बरसात में ऊपर से चिताओं पर पानी आता है। पानी आने से शव का अंतिम संस्कार में लोगों को खासी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मुक्ति धाम में चारों ओर लंबी लंबी झाड़ी एवं पर्याप्त गंदगी फैली हुई है। अंत्येष्टि स्थल पर स्वच्छता की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग गंदगी के बीच ही शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। इस अंत्येष्टि स्थल के सुंदरीकरण को लेकर शासन प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाला स्थान आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने इस मुक्ति धाम के सुंदरीकरण कराने की मांग की है। क्या नाम है बाबा आपका? मोहनदास। बाबा, आप जो मुक्ति धाम में रहते हैं, क्या है इसकी दुर्दशा, क्या हो रही है? इसकी टीन टीन टूटी हुई है और यहाँ पर चिताएं जलती है, पानी आता है, बुरी भांत मारती है, सड़न आती है, टीन टीन पड़ जाए, सफाई हो जाए, इसमें ईंटों का फर्श बिछ जाए, सफाई करने में हमको दिक्कत आती है। हम बहुत परेशान रहते हैं, बारिश होती है फिर हमें भीगना पड़ता है जालंग बालंग से। कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कि अपना जीवन पार करें अच्छी तरीका से, कोई रहन बसेरा बन जाए तो उसमें दो चार साधु बने रहें तो अच्छा है, ये हम चाहते हैं। तो बाबा, इसके लिए ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने, ना ही नगर पालिका ने, ना नगर पंचायत ने, किसी ने नहीं देखा इसकी ओर।